हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। आज हम इस डिजाइन को बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए हमें जो फंदे चाहिए वो हमें 15 मल्टीपल के फंदे चाहिए। 15 मल्टीपल करने के बाद दो फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। और ये 4 सिलाई का डिजाइन है, हमें 4 सिलाई इसमें रिपीट करनी होती हैं। ये देखिए, 4 सिलाई का डिजाइन है सिर्फ। और ये हमारे डिजाइन की सीधी साइड है और ये हमारे डिजाइन की रोंग साइड है। रोंग साइड इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने इसमें 32 फंदे लिए हैं, 32 फंदे लिए हैं। और हमने इसमें 2 सिलाई उल्टे की भी बुन ली है बेसिक बनाने के लिए। अब हम यहाँ से अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डिजाइन बनाने से पहले हम 2 सिलाई बेसिक की बनाएंगे, एक सीधी साइड से एक उल्टी साइड से। हमने 2 बेसिक रो बनाएंगे, उसके बाद से फिर हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे उल्टे। अब ऊन पीछे करेंगे और तेरह फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे हो गए, 13 फंदे हो गए, यहाँ से यहाँ तक 15 फंदे हो गए। ये 15 फंदे हमें रिपीट करने हैं। 2 फंदे उल्टे बुने हैं और 13 फंदे सीधे बुने हैं। अब हमने फिर से अपने डिजाइन में, पूरे डिजाइन में यही रिपीट करने हैं। ऊन आगे करके 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे, 13 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आखिर के 2 फंदे बचे हैं। ऊन आगे करके आखिर में 2 फंदे हमें उल्टे रखने हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो पूरी हो गई। शुरू में 2 फंदे उल्टे रखे हैं और आखिर में भी 2 फंदे उल्टे रखे हैं। ये हमारी पहली सिलाई पूरी हो गई। अब ये रोंग साइड है, सेकंड रो बेसिक रो है। ये भी हमने जो फंदे हमने इधर की साइड उल्टे बुने हैं, उल्टी साइड से सीधे बुने हैं, और जो सीधी साइड से सीधे बुने हैं उन्हें उल्टी साइड से उल्टे बुनने हैं। इस तरह से हमने ये सिलाई बनानी है। अब ये सेकंड रो है हमारी बेसिक रो, रॉन्ग साइड 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, ऊन आ गए। अब 13 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे उल्टे हो गए, 2 फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे, ये 15 फंदे हो गए। अब ये 15 फंदे हमने अपने डिजाइन में इसी तरह से रिपीट करने हैं। फिर ऊन पीछे करेंगे, अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, ऊन आगे, 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, आखिर के 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। इस तरह से ये 15 15 फंदों का डिजाइन है। ये 15 फंदे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 15 फंदे हो गए। आखिर में 2 फंदे हमने सीधे रखने हैं। इस तरह से हमारी दूसरी बेसिक रो भी पूरी हो गई।
सीधी साइड है। अब यहाँ से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होती है। हमारा डिजाइन चार सिलाई का है, यहाँ से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होती है। दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे शुरू में, एक दो, उन पीछे करेंगे। अब तेरह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 15 फंदे हो गए। दो फंदे उल्टे बुने, 13 फंदे सीधे बुने। अब ऊन आगे करेंगे। ये 15 फंदे हमने डिजाइन में रिपीट करते रहना है। फिर से हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, ऊन पीछे। अब 13 फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 13 फंदे हो। यहाँ से यहाँ तक 15 फंदे हो गए। दो फंदे उल्टे, 13 फंदे सीधे। फिर दो फंदे उल्टे, 13 फंदे सीधे। 15 फंदे ये हो गए, 15 फंदे ये। आखिर के ऊन आगे करेंगे। आखिर में दो फंदे बचते हैं, ये हमें उल्टे बुन लेने हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो पूरी हो गई। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड डिजाइन की सेकंड रो। इसमें हमने ये दो फंदे सीधे और 13 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। इस तरह से दो फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू, ऊन आ गए, 13 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, दो फंदे सीधे बुने शुरू में, फिर 13 फंदे उल्टे। ये 15 फंदे हो गए। ये 15 फंदे हमने अपने डिजाइन में रिपीट करने हैं। ऊन पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, ऊन आ गए, 13 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, आखिर में दो फंदे बचे हैं। ऊन पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बुन लेते हैं, ठीक है। ये हमारी दो सिलाई पूरी हो गई इस तरह से। अब हम सीधी साइड हैं और ये हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई है। अब तीसरी सिलाई बनाने के लिए हम पहले दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, ऊन पीछे करेंगे। अब हमने चार फंदे एक साथ बनाने हैं, वन टू थ्री फोर। पहले हम इनको ढीला कर लेते हैं, इस तरह से ढीला कर लेते हैं। इस तरह से, और यहाँ आगे की साइड से वन टू थ्री फोर चार फंदे लेंगे, इस तरह, ठीक है। ये चार फंदे आगे सिलाई पर। अब हमने इन्हें ये एक साथ सिलाई पर निकाल देने हैं। ये हम धागा डालेंगे इस तरह से और इस तरह से बुन गए। ये देखिए, ये निकल कर आ गया फंदा। ये चार फंदों से हमने एक फंदा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ हमने बीच में जाली बनानी है। जो बीच में चार फंदे हैं उन पर जाली बनानी है और आखिर के ये चार फंदे हमने फिर एक साथ बनाने हैं। ये बीच में एक दो तीन चार पाँच फंदे बचे हैं, इनके बीच में भी और साइडों में भी हमने जाली बनानी है। पहले हम जाली बनाएंगे, एक जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे एक बार, फिर जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे दो बार, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे तीन बार, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे चार बार, फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा पांच बार। ये पांच फंदे हमने सीधे बुन दिए और जाली बना दी इनके बीच में।
और ये आखिर में चार फंदे बचे हैं, 1 2 3 4, चार फंदे हैं ये। उससे पहले हम यहाँ पर जाली बना लेंगे, यहाँ पर जाली बनाएंगे। अब इन चार फंदों को यहाँ बैक लूप से एक साथ बुनेंगे। यहाँ हमने बैक लूप से बुनने हैं चार फंदे एक साथ। ये देखिए सिलाई पर चार फंदे एक साथ लिए, अब धागा डाला सिलाई पर और इनको हम चारों फंदों को एक साथ निकाल देते हैं। ये देखिए फंदा बनकर आ गया, चार फंदे हमने एक साथ बुन कर अब इन चार फंदों को उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा एक फंदा बन गया। शुरू में हमने चार फंदों से एक फंदा बनाया और आखिर में यहाँ पर बीच में हमने जाली बनाई है। ये हमारे 15 फंदे पूरे हो गए। अब हम फिर से यही रिपीट करेंगे, ऊन आगे करेंगे, दो फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, 1 2, ऊन पीछे। अब हम इन फंदों को ढीला करेंगे इस तरह से, चार फंदे, और आगे की साइड से यहाँ से चारों फंदों को सिलाई पर लेंगे। चार फंदे हमने सिलाई पर लिए इस तरह से। अब इन चार फंदों को एक साथ बुनेंगे हम। ये देखिए फंदा बनकर आ गया, चार फंदे का एक फंदा बना दिया हमने, एक फंदा बन गया। अब हमने जाली बनानी है, यहाँ पर जाली बनाएंगे और आखिर में चार फंदे फिर से एक साथ बुनेंगे। इसलिए हमने जो बीच में फंदे हैं सब पर जाली बनाएंगे। एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर दो जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीन जाली, तीसरा फंदा सीधा, चार जाली, चौथा फंदा सीधा, पांच जाली, पांचवा फंदा सीधा। अब यहाँ आखिर में चार फंदे बचे हैं, 1 2 3 4, चार फंदे हो गए। अब यहाँ पर फिर हम एक जाली बनाएंगे पहले और फिर इन चारों फंदों को बैक लूप से चार फंदों का एक बनाएंगे। ये देखिए चार फंदे हैं, इनको बैक लूप से बुनेंगे, यहाँ से बैक लूप से सिलाई पर इस तरह से ऊन लपेट के चार फंदों का एक फंदा बना देंगे। ये देखिए फंदा बनकर आ गए, चार फंदे अब हम उतार देंगे सिलाई पर से। ये आखिर के दो फंदे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे, ऊन आ गए, आखिर का दो फंदे उल्टे बुनकर लेने हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई भी पूरी हो गई। अब ये रॉन्ग साइड है डिजाइन की, चौथी सिलाई है, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, शुरू के दो फंदे सीधे, ऊन आगे करेंगे। अब 13 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, जैसे हम 13 फंदे उल्टे बुनते थे उसी तरह से। ये एक, ये जाली का फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 फंदे उल्टे हो गए, दो फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट करेंगे, ऊन पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, ये 15 फंदे फिर से रिपीट करने हैं, दो फंदे सीधे, 13 फंदे उल्टे। तो ये 15 फंदे हुए, 15 फंदे फिर से हमने अपने डिजाइन में इसी तरह से रिपीट करने हैं। दो फंदे सीधे, ऊन आगे करेंगे, फिर से 13 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तेरह, आखिर में दो फंदे सीधे, उन पीछे आखिर के दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये चार सिलाई पूरी होगी हमारी डिजाइन की। ये देखिए हमारे डिजाइन की ये चार सिलाई पूरी होती हैं। अब हमने फिर से रिपीट करना है इसी तरह से। दो सिलाई हम ऐसे बनाएंगे, पहले दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, उन पीछे फिर तेरह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 15 फंदे हो गए। फिर से हमने रिपीट कर दिया है, दो फंदे उल्टे और 13 फंदे सीधे। फिर से ऊन आ गए, दो फंदे उल्टे, एक दो, ऊन पीछे 13 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 13 फंदे सीधे, आखिर में दो फंदे बचते हैं, ऊन आगे दो फंदे उल्टे। ठीक है, इस तरह से हमने रिपीट करना है। चार चार सलाई, चार सलाई का डिजाइन है, चार चार सलाई हमें रिपीट करनी है। चार चार सलाई रिपीट करने पर ये इस तरह से बहुत सुंदर डिजाइन बनकर आएगा। इस डिजाइन को आप गर्ल्स टॉप में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, शॉल में, स्टॉल में, बेबी फ्रॉक में, हर प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में ये बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।